नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार सरकार अब सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा सक्रिय नजर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के बड़े अधिकारियों को ये साफ निर्देश दे दिया है कि सोशल मीडिया पर अपना रीच यानी कि फॉलोअर्स को बढ़ाएं और लोगों की नज़र में जितने भी बिहार सरकार की जो सोशल मीडिया है उसके फॉलोअर्स जो हैं अधिक से अधिक बढ़े। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बिहार के अधिकारियों को नई नई चीज़ों के लिए आदेश देते रहते हैं, वहीं अब बिहार के अधिकारियों को सोशल मीडिया को और भी ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय करने के लिए भी निर्देश दे दिया है। बिहार सरकार अब खुद को सोशल मीडिया पर और सक्रिय रूप में नजर आएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए जिला स्तर पर पदाधिकारियों को खास निर्देश दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे मंचों पर गतिविधि वाले जिलों के खास करके अपनी उपस्थिति में सुधार लाने को कहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर उपस्थिति में सुधार के लिए कुछ जिलों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को सोशल मीडिया मंच के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और आमजन से अपना सरोकार बढ़ाने को कहा है। वहीं आपको बताते चलें कि हाल ही में एक आयोजित एक विचार मंथन सत्र के दौरान जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अधिकारी जो हैं बिहार सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी उपायों को आम जन को अवगत कराएं और इस पर काम करें। संबंधित अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि वो इन मंचों पर सक्रिय रहते हुए फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास करें। विभाग की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिला के PRD अधिकारी अपने संबंधित जिलों के सोशल मीडिया मंच पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर हर व्यक्ति और हर सामाजिक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करें। विभाग की ओर से जिलावर आंकड़े और उन आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अररिया जिले में जिला प्रशासन की ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या मार्च 2023 में 12,899 से गिरकर अप्रैल 2023 में 1,100 रह गई है। इसी तरह सिवान और जमुई जैसे जिलों में इस अवधि के दौरान 9 और 7 फॉलोअर्स को जोड़ने के बावजूद उनकी कुल संख्या 2 अंकों में भी नहीं पहुंची है। अन्य जिले जिन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने को कहा गया है उनमें औरंगाबाद, शिवहर, मधेपुरा, लखीसराय, किशनगंज, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, सीतामढ़ी, खगड़िया और मधुबनी शामिल है। दूसरी ओर अगर हम बात पटना जिला की करें तो पटना जिला में 1,341 नए फॉलोअर्स के साथ ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। इसके बाद नालंदा में 566, पूर्वी चंपारण में 304, मुजफ्फरपुर में 270 का स्थान रहा है। जहां तक अगर हम फेसबुक की बात करें तो राज्य के 14 जिलों के एक भी नए फॉलोअर जोड़ने में विफल रहे हैं। मधेपुरा ने अप्रैल के महीने में 100 फॉलोअर्स को खो दिया है जो मार्च में 5100 फॉलोअर्स से भी नीचे आ गया, जबकि बेगूसराय में 8 नए लोगों को जोड़ने के बावजूद अब तक इसके कुल फॉलोअर्स की संख्या दोहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई है। जहां एक और बिहार सरकार के तरफ से ये साफ आदेश दे दिया गया है कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अन्य जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग है वहां पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएं, अपने रीच को बढ़ाएं। साथ ही साथ बिहार सरकार ने अधिकारियों को ये भी आदेश दिया है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी आप आम जनता तक पहुँचाएं। बिहार सरकार अगर कोई अच्छी चीज़ करती है तो वो भी आम जनता को मालूम होना चाहिए। लगातार बिहार सरकार की तरफ से सोशल मीडिया की रीच बढ़ाने की मांग की जा रही है, जहां अब साफ तौर पर हर ज़िले के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फॉलोअर्स को लगातार जो है वो बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़।